हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम एंड क्लासिक 350 ब्लैक को। तो इन दोनों बाइक में जो अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों बाइकें बिल्कुल सेम हैं। 350 सीसी का इंजन आता है दोनों के अंदर, ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आती हैं, डिस्क ब्रेक फ्रंट एंड रेयर सब कुछ, EF5 वगैरह आपको सब कुछ चीज़ें सेम मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है सीट में, लुक में, टैंक में, इंजन स्पेसिफिकेशन में, किसी भी तरह का टेक्निकली और मैकेनिकली कोई चेंज नहीं है टायर साइज से लेके अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो। अगर सिर्फ फ़र्क है तो दोनों बाइकों के अंदर आपको ये रिम भी स्टील रिम ही मिलते हैं, लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस है बहुत बहुत ज़्यादा है। जो आपको ब्लैक है वो 1,65,000 एक्स शोरूम कॉस्ट के साथ मिलता है अगर हम दिल्ली की बात करें तो, और जो क्रोम है वो 1,82,000 एक्स शोरूम कॉस्ट के साथ मिलता है। अगर हम इनके ऑन रोड प्राइजेस की बात करें तो ब्लैक जो है वो आपको 1,88,000 का मिलेगा और जो क्रोम है वो आपको 2,06,000 का ऑन रोड दिल्ली मिलेगा। तो मेन जो इनका डिफरेंस है वो प्राइस का है और लुक्स का है, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। लुक्स आप देख ही रहे हैं, ब्लैक आप देख लीजिए कैसा लग रहा है, और अब आपको मैं क्रोम दिखा देता हूँ, आप क्रोम भी देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से लगता है। तो किसी किसी को क्रोम बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो क्रोम ले सकता है, क्योंकि 500 cc में कलर आता था, अब आपको 350 cc में मिल रहा है, और जिसको ब्लैक पसंद है वो ब्लैक ले सकता है, क्योंकि दोनों बाइकें बहुत अच्छी हैं। जो ब्लैक कलर है बहुत लंबे टाइम से बिकता रहा है, लेकिन जो क्रोम है इसकी भी अपनी लुक है क्योंकि ये नया कलर आया है। आपकी मर्जी, आप कोई भी कलर कंसीडर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली दोनों बाइक अच्छी लगती हैं। बस ये एक छोटा सा कंपैरिजन था, बहुत से लोगों ने बोला था कि इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इनमें कोई भी नहीं है सिवाय कलर के आप और प्राइस के, और आप दोनों बाइकें आपको चलने में सब चीज़ों में सेम ही लगेंगी। बस आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू।